नमस्कार दोस्तों, द ट्रू साइड बाय अमृत में आपका स्वागत है। अमित शाह ने कल संसद में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने बोला था कि चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले, आएंगे तो मोदी ही। अब जाहिर सी बात है कि इस पे विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को अपने बातों में घेर लिया है। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके अमित शाह को क्या बोला है। लालू जी ने बोला है, आज अमित शाह संसद में खड़े होकर पूरे घमंड में चूर होकर विपक्ष से कह रहे थे कि तुम चाहे जितना भी गठबंधन बना लो, प्रचंड बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिर ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लगा है मोदी शाह के पास कि चाहे मणिपुर 90 दिन से जलता रहे, चाहे हरियाणा में दंगा हो, चाहे बिहार से सत्ता से बाहर हो, चाहे महाराष्ट्र में हालत पतली हो, चाहे दक्षिण में पूरा साफ हो, चाहे बंगाल में ममता हराना मुश्किल हो, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में सत्ता से बाहर हो, ऊपर से कमर तोड़ महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पर हो, ऐसे में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अहंकार के साथ ऐलान करना दाल में काला प्रतीत होता है। विपक्ष को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए और इन पे पैनी नजर रखना चाहिए। मुझे दो चीजें पर शक है, या तो इनके पास ईवीएम बदलने का ठोस सिस्टम या फिर देश में कुछ ऐसा कांड करने का प्लान हो जिससे देशव्यापी भावनाएं भड़के और उस भावना का लाभ उठाकर लोगों को ये फिर से ठग सकें। भाजपा दल नहीं बल्कि देश विरोधी दलदल है और इस दलदल में जितना कीचड़ फैलेगा उतना ही कमल खिलेगा, ऐसा कहा है लालू प्रसाद यादव ने। कल का भाषण अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके सुनिए अमित शाह जी ने आखिर क्या बोला है, और सच में आप एक बार सोचने को मजबूर हो जाओगे कि आखिर बीजेपी पार्टी अपनी जीत को लेके इतनी कॉन्फिडेंस में कैसे है, इतने सुनिश्चित तरीके से आखिर कोई भी कैसे बोल सकता है कि हम जीतने वाले हैं। खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।